साथ में बढ़ते हैं आगे बात, अब जरा श्रीनगर की भी आपको बताते हैं, जहां पर जिला इंतजामिया की तरफ से कुछ तैयारियां की गई हैं। और बड़ी खबर ये कि इंतजामिया ने हालात के पेश नजर इस वक्त कोविड की जो संगीन सूरत हाल है, श्रीनगर जिला सरे फहरिस्त है कोविड 19 के केसेस में, 500 से ज्यादा अमवात अब तक एक साल के अंदर हो चुकी है। और अब इंडोर स्टेडियम श्रीनगर को कोविड 19 सेंटर में तब्दील करने का जिला इंतजामिया ने फैसला किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस और उसके साथ साथ दीगर कुछ अहम मकामात जिनको इंतजामिया ने कोविड मराकज में तब्दील करने का फैसला किया है। और ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी फिलहाल नहीं है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी प्लांट्स के अंदर और अस्पतालों के अंदर भी अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से इस बात का यकीन भी दिलाया गया है। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर के साथ साथ इंतजामिया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस जकूरा NIT हज हाउस को भी कोरोना मरीजों के लिए मखसूस रखने का फैसला ले लिया है। और इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सनम, इंतजामिया का यह फैसला, गुज़श्ता दिनों माहिरीन ने कहा था कि शायद तादाद कोविड 19 के केसेस की 4,000 या इससे ज्यादा भी जा सकती है, क्या जो हालात इस वक्त हैं ये इशारा कर रहे हैं कि शायद इससे भी मनफी असरात पड़ने वाले हैं हालात पर और पहले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, इस बात पर मजबूर हुई इंतजामिया? देखिए, सरकार के सामने कोई और रास्ता नहीं है, किसी भी हाल में इंतजाम करने हैं क्योंकि तूफान है, मुल्क भर में है और किसी भी वक्त यहाँ पे भी जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि बर्पा हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी वजह जो है, जो यहाँ पे गाइडलाइंस का SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता है, चाहे यहाँ के जो कुछ इस तरह के, अभी आपने भी दिखाया श्रीनगर का डाउन टाउन के इलाके में कल एक ATM जम्मू कश्मीर बैंक के ATM के बाहर जो भीड़ थी वो खुद बयान करती थी सिचुएशन क्या है। चाडूरा में आपने तस्वीर दिखाई, श्रीनगर के जो LD हॉस्पिटल है वहां की तस्वीर हमारे पास आई है, या श्रीनगर के बाकी अस्पतालों में, चाहे वो सोरा हो चाहे दूसरे बड़े अस्पताल हो, वहां की जो तस्वीर है वो बहुत ही डरावनी आती है, क्योंकि जब खुद एहतियात न की जाए तो फिर कुछ न कुछ हो सकता है। तो सारे को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने जो फैसला लिया है, या यूं कहें तो नए जो कोविड सेंटर्स बनाए, जिनमें श्रीनगर के हज हाउस में भी तैयारी की जा रही है, उसके साथ साथ श्रीनगर का जो इंडोर स्टेडियम, उसमें ये जो हमारा श्रीनगर की यूनिवर्सिटी है, इसमें भी और कई जगहों पे सरकार ने, जिस तरह कल इंतजामिया ने जो मजहबी उलमा भी बुलाया था, उनके साथ मीटिंग्स भी की थी, तो उसमें ये भी फैसला रखा गया कि हमें मस्जिद को भी तैयार रखना है। अगर कुछ कुछ अपनी जगह पे उन्होंने कहा कि हमें तैयारी हर चीज की रखनी है, हो सकता है हमें मस्जिद भी जरूरत पड़ सकती है इन हालात में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीजन की, जो यहाँ पे कमी अभी पैदा नहीं हुई है, लेकिन अगर हालात बदतर हुए तो वो चीज भी हो सकती है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बनाने के लिए। और आपको याद होगा कल भी आपने, हमने न्यूज में भी दिखाया कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग में पंचायतों तक जो है, जो बैंक्स हैं ऑक्सीजन बैंक्स, यानी जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहते हैं, वो पहुंचाए जा रहे हैं। और नॉर्थ कश्मीर में ब्लॉक लेवल पे जो जिला इंतजामिया ने वहां स्टोर करना शुरू कर दिए। लेकिन इससे बड़ी खबर या कहीं बुरी खबर ये हो रही है कि कश्मीर वैली में आम लोग अब घरों में ऑक्सीजन का स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं, यानी सरकार का हो या फैक्ट्रीज में जहां से भी उन्हें सिलेंडर मिलता है, छुपाया के मिले या पैसे से मिले, चोरी से मिले, जैसे मिले, लोग कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके पास रहना चाहिए और ये घर में वो बतौर अपना एक स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माजी में एक प्रैक्टिस थी कि हम स्टोर खाना वाला राशन वगैरह करते थे, तब यहाँ कश्मीर का मौसम का जो हालात थे या फिर यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, उस दौरान लगता था कर्फ्यू लंबा हो जाएगा तो स्टोर किया जाता था, लेकिन अब जो हालात है इसमें स्टोर ऑक्सीजन के जो गैस सिलेंडर्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा है कि इससे शायद शहर में खतरा ये पैदा हो जाए कि कमी हो जाए और जिन लोगों को जरूरत हो वहां ये न पहुंच पाए, बल्कि घरों में स्टोर रह के ये एहतियाती तौर पर लोग करें, वो किसी बदनीति से नहीं करें, लेकिन वो अपने एहतियात के तौर पर करें, और ये शायद आने वाले वक्त में हमें शायद महंगा पड़ सकता है इस सारी सिचुएशन को। एक चीज और भी बताइएगा, जो कल इंतजामिया का फैसला है, तो क्या अगर इससे भी सिचुएशन थोड़ी खराब होती है तो इतने सेंटर्स का जो कयाम अमल में लाया जाएगा, जो तैयार किए गए हैं 1300 के आसपास, डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि बेड्स जो हैं वो इजाफी बेड्स होंगे, ये तमाम चीजें श्रीनगर जिले के अंदर काफी होंगी, चूंकि 17 दिनों के अगर सूरत हाल देखें तो 8,000 के करीब कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं श्रीनगर में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यूजुअली हम यही कहते हैं कि पहली बात यही है कि आपको डरना नहीं है, डरना तो नहीं है, लेकिन डरने के हालात इस तरह के, उस डर की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे
कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बनती जा रही है और मई में का जो महीना है जब इसका जो पीक होगा सेकंड फेज का जो दूसरी वेव, तो इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इन बेडों, हो सकता है ऊपर वाला रहम करे तो यहाँ हमारे यहाँ बेड भी ये भी खाली हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा की तादाद को के लिए तैयार रहना, ये कुछ एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। तो उनका मानना है कि एक जो साइलेंट कोविड का पेशेंट है जिसको मालूम नहीं है कि वो कैरियर है, वो 400 लोगों को और इन्फेक्टेड करता है। तो खुद अंदाजा कीजिए यहाँ हमने कितने लोग साइलेंट रहे होंगे, कितने लोगों ने 400 कितने लोगों को, तो ये बड़ी चेन जो है वो बड़ी लंबी कहानी की कहानी बता रही है। तो उस चीज के लिए हर रेडी रहना है, हर वर्स्ट चीज के लिए रेडी रहना है, दुआ करनी है कि सब अच्छा हो, लेकिन तैयारी बहुत खतरनाक हालात के लिए तैयारी करनी है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि सिचुएशन जो मुल्क में बनी है जो दूसरी जगहों में बनी है वो खतरनाक है। अहमदाबाद कुछ और इलाकों का माइक्रो कंटेनमेंट जोन कल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से कर दिया गया है, और क्या जिला श्रीनगर के बगैर भी कुछ और इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल गौर, श्रीनगर में कल जो है डीसी श्रीनगर ने मुख्तलिफ इलाकों में, जब खुद भी वो श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में थे, चाहे वो श्रीनगर के अस्पतालों में थे या श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में थे, और वहां पर उन्हें जब सिचुएशन देखी तो श्रीनगर के कुछ इलाकों का जब उनके पास डाटा आया तो उस डाटा में उन्होंने कहा कि हाँ तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। तो उसके बाद उन्होंने बाजाबा तौर पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उन इलाकों को कंटेमिनेटेड जोन का वो करार दिया गया। गौर, कंटेमिनेटेड जोन आपकी बार कहा जाता है, ये सिर्फ लफ्ज का हेर फिर है, जब रेड जोन कहा जाता है तो लोगों में शायद डर पैदा हो जाता है, लेकिन इन एरियाज में रेड जोन जैसी सिचुएशन जो है सरकार तैयारी करती है, लेकिन ये श्रीनगर में नहीं है, ये बाकी जो है। देखिए बांदीपोरा में भी खबरें हमारे पास आई हैं, वहां पे भी कंटेनमेंट जोन को करार दिया गया है, इसी तरह कुपवाड़ा से भी कल हमें खबरें आई हैं। हाँ, हमें अब की बार एक अच्छी खबर आ रही है साउथ कश्मीर, जहां पिछले साल बड़े थे, चाहे वो कुलगाम था, शोपियन था या पुलवामा नसाक, वहां के जो है इस तरह के अभी सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि एहतियात वहां के लोगों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि एहतियात अभी नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया जी सर, अहमदाबाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। खबर यह है कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने कल शहर श्रीनगर के कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी तब्दील कर दिया, क्योंकि वहां पर केसेस ज्यादा आ रहे थे और अब ट्रेसिंग और टेस्टिंग का अमल जो है वो तेजी के साथ वहां पर शुरू कर दिया गया है। तो ये